जय हिंद। चंदा मामा से जल्द होगी मुलाकात। जी हाँ, चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त सन 2023 को लैंड करने वाला है और यह बहुप्रतीक्षित क्षण प्रत्येक भारतीय के लिए एक गर्व का क्षण होगा, निश्चय ही। तो चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में कि किस तरीके से चंद्रयान 3 लैंड करेगा, क्या प्रोसेस होंगे, क्या चरण होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे चित्र के माध्यम से थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा आपको कि ये चंद्रमा की सतह है, ठीक है। इसके 30 किलोमीटर ऊपर जब होगा चंद्रयान तो 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार होगी इसकी, लेकिन जब यह 7.4 किलोमीटर ऊंचाई पर होगा तो इसकी रफ्तार घटकर 336 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। और जैसे ही 10 मीटर की दूरी ये ऊपर होगा, 10 मीटर की दूरी ये ऊपर होगा चंद्रमा की सतह पर, इसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 1 से 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से अपनी रफ्तार में ये परिवर्तन करेगा और उतरेगा। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये आया, ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये हमारा असली मिशन जो रोवर प्रज्ञान है, एक सीढ़ी के माध्यम से, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सीढ़ी के माध्यम से ये उतर रहा है और चंद्रमा की सतह पर चल रहा है। ओके, फिर से देख लेते हैं इसको हम। ये देखिए, ये लैंड किया और लैंड करने के बाद ये जो रोवर प्रज्ञान है एक सीढ़ी के माध्यम से चंद्रमा की सतह पर उतरता है, जैसे कोई व्हीकल ट्रक से उतारा जाता है ना, वैसे। अब इसके कितने चरण हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इसके 4 चरण हैं, रफ ब्रेकिंग फेज, अल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज। ये 4 फेजेस हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की। तो इस वक्त लैंडर जो है वो लैंडिंग साइट से कितने किलोमीटर ऊपर होगा, 750 किलोमीटर दूर होगा। तो इसकी स्पीड होगी लगभग 1.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड, काफ़ी तेज स्पीड होगी, और 690 सेकेंड तक ये फेज चलेगा। इसके दौरान क्या होगा, जो विक्रम है उसके सभी सेंसर्स कैलिब्रेट हो जाएंगे और हॉरिजॉन्टल स्पीड जो है 690 सेकंड्स में वो 358 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी, और जो नीचे की तरफ स्पीड आएगी वो 61 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। तो देखिए 1.6 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटकर 690 सेकंड में कितनी कम स्पीड हो जाएगी, जिससे ये लैंडिंग आसानी से कर सके। दूसरा फेज होगा अल्टीट्यूड होल्ड फेज। इसमें क्या होगा, विक्रम चांद की सतह की फोटोज खींचेगा और उसके पास जो पहले से मौजूद फोटोज होंगी उनके साथ कंपेयर करेगा। ये जो फेज है कितने सेकंड का होगा, 10 सेकंड का। जो चंद्रयान 2 था उसमें ये 38 सेकंड का था, लेकिन इसमें कितने सेकंड कर दिया गया, 10 सेकंड का। इस दौरान जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो 336 मीटर पर सेकंड होगी और वर्टिकल वेलोसिटी 59 मीटर पर सेकंड होगी, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, राइट। चलिए फाइन ब्रेकिंग फेज, तीसरा फेज है, 175 सेकंड तक रहेगा। कितने सेकंड तक, 175 सेकंड तक चलेगा और इसमें स्पीड क्या होगी, एकदम जीरो हो जाएगी, यानी कि एक तरीके से हवा में ये लटका रहेगा, ठीक है। पूरी तरीके से जो लैंडर की पोजीशन है क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी और जो ऊंचाई होगी सतह से लगभग 800 से 1300 मीटर के बीच में होगी। इसमें क्या होगा, विक्रम के सेंसर चालू कर दिए जाएंगे और जो हाइट है उसको नापा जाएगा, फिर से फोटोज ली जाएंगी, फिर से कंपैरिजन होगा इस फेज में। अगला फेज है टर्मिनल डिसेंट फेज, ये 131 सेकंड का होगा। इसमें लैंडर सतह से 150 मीटर तक आ जाएगा। विक्रम पे लगा जो हैजर्ड डिटेक्शन कैमरा है वो गो या नो, जाओ या ना जाओ, ऐसे टेस्ट करेगा। अगर सब कुछ सही है तो विक्रम 73 सेकंड में 73 सेकंड में चांद पर उतर जाएगा। अगर मान लीजिए नो गो की कंडीशन आती है, किसकी, नो गो की यानी ना जाने कंडीशन आती है, तो फिर से सतह को चेक होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो लैंड कर जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो विक्रम है वो लैंड कर चुका है, तो अब इसके बाद क्या होगा, जो अब जैसे कोई भी, अभी आपने पीछे वीडियो में देखा कि किसी भी सतह पर उतरेगा तो डस्ट, धूल ये सब काफी उड़ेगी क्योंकि थोड़ी स्पीड तो रहेगी, तो वो जब सब सेटल हो जाएगा तो विक्रम चालू हो जाएगा और कम्युनिकेट करेगा। अब क्या होगा, रैंप खुलेगा और रैंप से अभी जैसे आपने पीछे वीडियो में देखा प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर आएगा। विक्रम लैंडर क्या करेगा, प्रज्ञान की फोटो खींचेगा और प्रज्ञान क्या करेगा, विक्रम की फोटो खींचेगा और इस तरीके से जो कंबाइंड फोटोज हैं वो कहाँ, पृथ्वी पर सेंड कर दी जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है पद चिन्हों की। जैसे हम लोग कहीं पे चलते हैं तो हमारे पैरों के चिन्ह बन जाते हैं, है ना, और आपने सुना भी होगा कि इन्होंने अपने पैरों के चिन्ह ऐसे छोड़े जिनका अनुसरण करते हुए सब लोग आगे बढ़े, आदि आदि। उसी तरीके से जब हमारा रोवर इस पर उतरेगा, जब इस पर उतरेगा, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान आएगा, तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये अपने पदचिन्ह छोड़ता चला जाएगा। एक गौरवान्वित क्षण होगा प्रत्येक भारतीय के लिए। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक किलाट, और यहाँ पर इसरो का सिंबल जो चंद्रमा की सतह पर बन जाएगा और एक निशान हो जाएगा। आगे आने वाले जो भी समय है उसमें जो भी देश आएंगे इस निशान को फॉलो करते हुए, इन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए आगे कार्य करेंगे। तो ये है हमारा चंद्रयान, और सभी से अनुरोध है कि चंद्रयान के सफल लैंडिंग के लिए सभी लोग प्रार्थना करें, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि सकुशल लैंडिंग हो और भारत का विश्व में परचम लहराए। धन्यवाद।